टू ऑसम आर्स बाय जॉन डेविस। कभी कभी आप पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन आप कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि आपका सारा समय ईमेल्स चेक करने, मीटिंग्स में कलीग के साथ बात करने में और बाकी छोटे मोटे काम करने में बीत जाता है। तो आप इन कामों को करने से कैसे बच सकते हैं? इन सबकों में 5 स्ट्रेटजीज हैं जो आपको आपका टाइम और दिमाग कहीं और बर्बाद करने से रोकेंगे। ये आपके लिए कुछ नियम बना देंगे और आपको अपना काम सही तरीके से करने में मदद करेंगी। इसकी मदद से आप दिन में कम से कम 2 घंटे हाईली प्रोडक्टिव रह सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे अचानक रुकावट होने पर भी अच्छे से काम कैसे करें, अपने मन को कुछ देर के लिए भटकने देना आपके काम के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, और ज्यादा खाने से आप बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। पहला सबक, बहुत इफेक्टिव बनने के लिए आपको अच्छे फैसले लेने होंगे। आप रोज बहुत से ऐसे काम करते हैं जो आपकी आदत में है। सोचिए आप कितनी बार अपने बिस्तर से उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपने ईमेल चेक करते हैं और कितनी बार मीटिंग्स में गए हैं। ये सारे काम हम ऑटोमेटिक ही करते हैं क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। हम शायद ही इनमें से कोई भी चीज करने से पहले सोचते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका डेली रूटीन आपका बहुत सारा समय और एनर्जी वेस्ट कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। विवेक का उदाहरण ले लें, क्योंकि वो एक कंसल्टेंट हैं, तो मंथली एनालिसिस रिपोर्ट लिखना उनके लिए बहुत जरूरी काम था, लेकिन वो इसे करने के बजाय लोगों के दर्जनों ईमेल का जवाब देता रहा। ईमेल्स को चेक करना उनके डेली रूटीन का हिस्सा है और विवेक हमेशा अपने इस काम को प्रायोरिटी देता है जबकि उसका जरूरी काम कुछ और है। हम भी विवेक की तरह डेली रूटीन को प्रायोरिटी देते हैं और अपना काम अटका देते हैं। इसे कैसे बदला जा सकता है? एक सही डिसीजन लेकर। आपको एक डिसीजन तब लेना पड़ता है जब आपका कोई काम पूरा हो जाता है या रुक जाता है। ऐसे वक्त में आपको चुनना होता है कि आप आगे क्या करेंगे। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आपका एक कोलीग आपके डेस्क पर आता है और आपको लंच पर चलने के लिए कहता है। अब आपका रिपोर्ट ड्राफ्टिंग का काम बीच में रुक गया। यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है कि या तो आप उसे मना कर दें और अपना काम पूरा करें, या फिर अपने काम से ब्रेक लेकर उसके साथ लंच पर जाएं। अगर आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं तो आपके काम के लिए अच्छा रहेगा। ये आप काम करते वक्त एक छोटे मोटे डिसीजन लेते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे तो आप अपना काम समय पर और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा सबक, अपने दिमाग को काबू करने से आप किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एक बार में एक ही काम कर रहा हो। हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक बार में बहुत सारे काम करते हैं। क्या आपको अपनी ईमेल चेक करने चाहिए या मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए? एक अच्छा डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से बहुत सारे काम एक साथ करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये तब होता है जब आपके दिमाग का एग्जीक्यूटिव फंक्शन बहुत ज्यादा काम करता है। ये फंक्शन चीजें मैनेज, रेगुलेट और कंट्रोल करने में मदद करती है। यदि आप मीटिंग के लिए तैयारी करते समय ईमेल अलर्ट स्विच ऑफ कर देते हैं तो आप बेफिक्र होकर अपनी मीटिंग पर ध्यान दे सकते हैं। कोई डिसीजन लेना जो आपके रूटीन का हिस्सा है या जरूरी नहीं है आपके दिमाग की एनर्जी को खत्म करती है। नेटवर्किंग, एक साथ कई काम करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूल, ये सब वो काम है जो आपके दिमाग को थका देते हैं। जाहिर है हम सारे कामों को टाल नहीं सकते हैं जो हमारे दिमाग को थकाते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सा काम आपको थका सकता है तो आप उसे अच्छी तरह निपटा सकते हैं और आप उस काम पर ज्यादा ध्यान देंगे जो आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। उन कामों को पहचानें जो आपको ज्यादा थकाते हैं और इससे पहले कि आप उस काम में लगें उससे अच्छे से समझ लें। अगर रिपोर्ट बनाना आपके लिए दिन का सबसे जरूरी काम है तो आप दिन की शुरुआत ईमेल्स चेक करने से नहीं कर सकते हैं जो आपका डेली रूटीन है। बेहतर होगा अगर आप रिपोर्ट बनाने में लग जाएं। तीसरा सबक, अगर आप इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो भटकने से डरना बंद कीजिए। हम सभी जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश में फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, खासकर तब जब हमें बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। ऐसे में अपने काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग भटकने के लिए बनाया गया है? क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वज बच पाते अगर वो अपने खाने पर ध्यान देते और उनके पास के जंगली जानवरों पर नहीं? बिल्कुल नहीं। जब हमारे आसपास कुछ बदलाव होता है तो हमारा दिमाग भटक जाता है। ध्यान भटकना पूरी तरह से नॉर्मल है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान भटकने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान भटकने के बुरे परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। आपके ऑफिस में कुछ खास तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स।
भले ही हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स की हमेशा तारीफ करते हों कि हमारे काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन वो हमें फोकस करने से और हमें काम करने से रोकते भी हैं। इसीलिए अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर डाल दें तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन ऐसे डिस्ट्रैक्शन का क्या जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे कि एम्बुलेंस आपकी गली से गुजर रही हो, ये सारे डिस्ट्रैक्शन गलत नहीं है। कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए क्योंकि इससे फोकस करने में मदद मिलती है। ये किसी पैराडॉक्स की तरह लगता है ना, लेकिन इसमें सच्चाई है। 2012 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पता चला है कि जब हम क्रिएटिव प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तब हमें हमारे दिमाग को भटकने देना चाहिए। सवाल ये है कि किस तरह से आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करें लेकिन अपने काम को भी याद रखें। आप अपने दिमाग को कुछ अलग चीजों पर लगा सकते हैं जो पूरी तरह से आपके काम से अलग हो या बहुत ही आसान हो, जैसे अपना डेस्क साफ रखना या अपना लंच बनाना। अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी और प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप पूरी तरह से किसी दूसरे काम में लग जाएं। इन दोनों ही तरीकों से आपके दिमाग को थोड़ा ब्रेक मिलेगा और आप अपने काम को और अच्छे से कर पाएंगे। चौथा सबक, अगर आप अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर यह आपको मोटिवेट करने के लिए काफी नहीं है तो आपको बता दें कि एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। ये एक रिसर्च से पता चला जहां लोगों को रंगों में लिखे हुए शब्द बताने थे, जिससे येलो को हरे में लिखा गया था, और उन्हें ये टेस्ट एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद दिया गया। इस टेस्ट में देखा गया कि जो लोग एक्सरसाइज करने के बाद टेस्ट दे रहे थे उन्होंने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए। इससे पता चलता है कि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग को सोचने और डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। एक और रिसर्च में ये पाया गया कि फिजिकल एक्सरसाइज आपको किसी भी चीज पर ध्यान लगाने में मदद करती है। इस टेस्ट में लोगों को स्क्रीन पर एक लक्ष्य पर निशान लगाने को कहा गया और साथ ही उन्हें अपने आसपास हो रही चीजों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा गया। फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद लोगों ने बिना ध्यान भटकाए अपने लक्ष्य पर फोकस किया। इसीलिए जिम में वर्कआउट करने के बाद आप अपने लिए कुछ जरूरी काम को स्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए समय ही नहीं है? कुछ खास तरह के डाइट भी आपकी काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। रिसर्च से पता चला है कि कार्ब्स खाने के तुरंत बाद आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं, लेकिन ये केवल एक घंटे ही काम करता है। हैरानी की बात है, फैट्स कार्ब्स से ज्यादा मददगार हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि कुछ फैट्स खाने के 3 घंटे बाद भी हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद है। जो लोग डिहाइड्रेट हैं उन्हें फोकस करने में ज्यादा मुश्किल होती है, इसीलिए आप ज्यादा पानी पीकर भी अपने दिमाग को इफेक्टिव बना सकते हैं। आप क्या खाते हैं सिर्फ यही आपकी इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी नहीं है, आपके आसपास क्या होता है ये भी जरूरी है। पांचवा सबक, एक अच्छा प्रोडक्टिव माहौल बनाने के लिए आप शोर, लाइट और चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें काम करते समय पूरा शांत माहौल चाहिए होता है? क्या आप म्यूजिक और शोर में ध्यान नहीं लगा पाते? सच्चाई ये है कि म्यूजिक और गॉसिप आपके काम करने की क्षमता को घटा देता है। कई रिसर्चर्स से पता चला है कि गॉसिप आपको ध्यान लगाने या फिर किसी चीज को पढ़ने और समझने की शक्ति को इफेक्ट करता है। इसीलिए जब आप अपने किसी काम को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ऑफिस में अकेले बैठे या लोगों से दूर रहें ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इसके अलावा कुछ खास इस तरह की लाइटें आपके काम के लिए अच्छा माहौल दे सकती हैं, जैसे नीली रोशनी और चमकदार सफेद रोशनी आपको काम पर फोकस करने में मदद करती है। इंग्लैंड में हुई रिसर्च के दौरान दो एक जैसे ऑफिस में अलग अलग लाइटिंग की, व्हाइट और ब्लू व्हाइट। जो लोग ब्लूइश व्हाइट रोशनी में काम कर रहे थे वो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस की लाइटें अच्छी नहीं कर सकते हैं तब भी एक चीज आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, सफाई। वो सारे नोट्स, अनफिल्ड पेपर और फ्री सैंपल्स जो आपका ध्यान खींचते हैं और आपको जरूरी काम करने से रोकते हैं, उन्हें साफ करके रखें। अगर आपने ये सारे सबक पढ़ लिए हैं तो आपकी कुर्सी से उठिए, थोड़ा बाहर टहल लीजिए। जब आप टहल कर वापस आएंगे तो आप ये सारी स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप 5 आसान स्ट्रेटजीज का पालन करके रोज कम से कम 2 घंटे अपने आप को इफेक्टिव कर सकते हैं। आप डिसीजन लें, अपने दिमाग को काम पर लगाएं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बंद कर दें, अपने मन और शरीर को एक करें
और अपने ऑफिस को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। इस तरह से आप अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन दे सकते हैं। क्या करें, किसी भी तरह से इसे कीजिए। अगली बार आपको लगे कि आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है या आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप काम छोड़कर थोड़ी सी देर के लिए बाहर चले जाएं। ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। और आप याद रखें कि आप सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ऑफिस के बाहर थोड़ी देर टहलना भी आपको अच्छा और फ्रेश फील करवा सकता है।